समीप भी देखे नहीं बराबर। एक मिनट रुक जाइए भैया, उधर देखो लाइन सब बेटा, हाथ चल जाएगा भैया ना जी। पिछले 11 दिनों से लगातार जरौली महोत्सव के रूप में हमारे जरौली रामलीला रामकथा आयोजन समिति के द्वारा रामकथा का भव्य आयोजन 9 दिन का, इसके बाद में 2 दिन का रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया था और दूसरे दिन जो धनुर्वन का कार्यक्रम था, उसके बाद जो परशुरामी का कार्यक्रम होता है लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो हमारे उत्तर भारत के विभिन्न जनपदों से प्रख्यात विद्वान और जिनकी अपनी पहचान जिन्होंने अपनी बनाई है, ऐसे कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन हो रहा है। कलाकारों ने भी पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ अपने जिस भी अभिनेता को जो भी रोल किया वो पूरा जीवंत रोल किया और पूरा समय दिया समाज को देखते हुए। तो मेरी समझ में आज लगभग 5 बजे के बाद ही परशुरामी का कार्यक्रम समाप्त होगा और इसके बाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 1.5 से 2 हज़ार जो दर्शक हैं वो पहले प्रसाद पाएंगे। इसके बाद समस्त क्षेत्रीय जनमानस जो भी राम भक्त है प्रसाद लेने आएंगे, सबको रात 12 बजे तक प्रसाद वितरित किया जाएगा।